तो हे दोस्तों, कैसे हो? तो खबरों की मंडी से मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ नए और कमाल के अपडेट्स लेके। जैसे फैंटास्टिक फोर में फीमेल टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन फोर में वेनम का सिम्बायोट, एमसीयू का गोस्ट राइडर, ऐसे ही कमाल के और भी अपडेट्स है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोस्ट राइडर से स्टार्ट करते हैं। तो गोस्ट राइडर जिसका फैंस अरबों खरबों सालों से वेट कर रहे हैं कि कब एमसीयू हमको उनका खुद का होममेड गोस्ट राइडर दिखाएंगे। वेल, इसकी पुष्टि तो अभी हुई नहीं है, लेकिन 2025 में जरूर हो जाएगी। और एक्टर के तौर पे 80% चांस है कि इसमें रियान गॉसलिंग को ही कास्ट किया जाएगा। और रियान गॉसलिंग भी कब से कह रहे हैं कि हाँ भाई, मुझे इंटरेस्ट है गोस्ट राइडर में, बस केविन ताओ ऑफर तो करे। ऑलराइट, अगाथा का फाइनल और ऑफिशियल लोगो एमसीयू ने रिवील कर दिया, जो है अगाथा ऑल अलोन। और इस बार का टाइटल फाइनल है, अब ये चेंज नहीं होगा। इसके साथ साथ डेयरडेविल बोर्न अगेन और आयरन हार्ट का भी न्यू लोगो रिवील कर दिया। जिसको टाइटल के साथ तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, बस लोगो को रिक्रिएट किया गया है। और अब से एमसीयू की सभी सीरीज में मार्वल स्टूडियोज नहीं बल्कि मार्वल टेलीविजन का लोगो रहेगा। देन फिर उल्टी बाल्टी मतलब नोवा, जिसकी बात पिछले 2-3 सालों से चलती आ रही है। तो इस प्रोजेक्ट से कुछ डिटेल्स सामने प्रकट हो गए हैं कि ये मूवी नहीं बल्कि सीरीज होने वाली है, जिसमें सैम अलेक्जेंडर के यंग वर्जन को फीचर किया जाएगा। और भाई, इसकी प्रोडक्शन भी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद थंडरबोल्ट से भी कुछ अपडेट्स है कि येलेना इस मूवी में व्हाइट विडो के नाम से जानी जाएगी। और एमसीयू का सुपरमैन सेंट्री इस मूवी में पावरफुल तो होगा, बट कॉमिक की तरह नहीं। रखना भी मत, नहीं तो थंडरबोल्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्वल वालों ने इसके सूट को कॉमिक एक्यूरेट ही रखा है। और ये भी बता दो कि मूवी में थंडरबोल्ट की टीम और सेंट्री का आमना सामना मूवी के एंड ऑफ द फर्स्ट एक्ट में होगा, जिसमें सेंट्री इनको सेंधा नमक लगा के मारेगा। देन फिर फैंटास्टिक फोर में नताशा लियोन को भी किसी अनन रोल में कास्ट कर लिया गया है। बट इनसे एक स्ट्रॉन्ग रूमर ये निकल के आ रहा है कि ये फैंटास्टिक फोर में टोनी स्टार के किसी अल्टरनेट वर्जन यानी लेडी टोनी स्टार के रोल में दिखाई देगी। और कॉमिक्स में भी टोनी स्टार का एक फीमेल वेरियंट भी है, जिसका नाम नताशा स्टार्क है, जो आगे जाके आयरन वुमेन भी बनती है। और भाई, ये कैप्टन अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में भी रही है और उनके साथ 7 फेरे भी लिए हैं। वैसे तो ये रूमर है, पता नहीं ये सच होंगे कि नहीं, बट अगर ये सच होता भी है तो फैंटास्टिक फोर की हाइप नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। इसके बाद स्पाइडरमैन 4 जो तैयार बैठी है फिल्मिंग के लिए, और इसकी फिल्मिंग इस साल के एंड से पहले स्टार्ट हो जाएगी। और मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी नेक्स्ट ईयर सितंबर या अक्टूबर तक हो सकती है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा, बट कुछ ही दिनों में इसका भी पता चल जाएगा। और स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जो हमें वेनम का सिम्बायोट टीज किया गया था, तो कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में उस सिम्बायोट को भी फीचर किया जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के एंड में ही पीटर पार्कर को उसका सिम्बायोट सूट मिल जाएगा। देन बाय गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में गॉडजिला को गुलाबी करके कॉन्ग को आधा ट्रांसफॉर्मर बना के इस मूवी ने अंधा पैसा छाप लिया, जो टोटल इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $559 मिलियन है। और इसके सक्सेस के बाद वार्नर ब्रोस ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 को भी ग्रीन लाइट दे दी है। और इसके लिए न्यू राइटर को भी ढूंढ लिया गया है, जिनका नाम डेव कैलाहम है, जो सैंक्चुअरी और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जैसे मूवीज के भी राइटर रह चुके हैं। तो भाई, स्टोरी की चिंता ना करो, ये कमाल दबाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही अपडेट्स थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।